राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखिए मार्च शुरू हुआ है और मैं दिखाती हूँ, मेरा कड़ी पत्ता पूरा फूलों से भर गया है और ये घना भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम इसकी नलाई उड़ाई का ध्यान रखें और कड़ी पत्ते की अगर हमें बहुत घना बनाना है, ज़्यादा ब्रांच लेनी है, तो कटिंग करते रहें। और जब ये छोटा होता है तो क्या होता है, हम लोग है ना इसको बीच में से काट देते हैं। कटिंग करने से जितनी भी ज़्यादा ब्रांच होंगी, जब ब्रांच ज़्यादा होंगी तो आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे इसके पत्ते और फूल और ये घना हो जाएगा। और अभी मैं इसलिए दिखा रही हूँ ये छोटी सी वीड़ियो कि अगर आपने अभी कड़ी पत्ते की ऊपर से कटिंग नहीं की है और आपका कड़ी पत्ता अभी चला नहीं है, तो आप इसमें कटिंग करके हल्की निलाई उड़ाई करके और मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र इस पर डाल दीजिएगा, तो आपका भी कड़ी पत्ता पूरी गर्मी आप खूब यूज करना और इतना ही हरा भरा हो जाएगा। बस कड़ी पत्ते की शॉर्ट में मैं आपको जानकारी बता रही हूँ कि ये इतना छोटे से गमले में ही इतना हरा भरा ये कैसे हो गया, ये इतना छोटा सा गमला है। तो ये बस कड़ी पत्ते की आप देख रहे हैं छोटी सी जानकारी, कृपया इस जानकारी को फॉलो करें और अपने कड़ी पत्ते को भी ऐसे ही घना बनाएं। ये शायद आपको मेरा छोटा सा टिप्स पसंद आया होगा, पसंद आया तो कृपया लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर किसी छोटी सी जानकारी के लिए किसी पौधे के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। छोटी छोटी वीडियो से ये है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और अपने पौधों को आप हेल्दी और घना बना सकते हैं। कटिंग से भी इस टाइम आप कड़ी पत्ते को लगा सकते हैं, वरना अभी तो बीज तैयार हमारे यहाँ हो ही रहा है, ये तो मौसम ही है, अप्रैल में तो काफ़ी हो ही जाएगा। बस राधे राधे।